हेलो नमस्कार दोस्तों, जय शंकर। क्या हाल चाल आपके? आई होप मैं ब्यूटीफुल मस्त होगी। मैं भी फिलहाल ठीक हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ जुकाम की। और ब्यूटी फैमिली, आज मौसम भी सुबह से एकदम ख़राब है। आज धूप लगने के चांसेस नहीं है, जीरो है एकदम। तो जिस हिसाब से धूप नहीं है, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद बर्फ पड़ जाएगी कुछ दिनों में। आज 28 है डेट, 28 है, तो 31 तक में भी पड़ भी सकती है। तो देखते हैं क्या बनता है। और आसपास के जो पहाड़ हैं उनमें थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बर्फ़ पड़ गई है, तो बहुत जल्द जो कि बर्फ़ मेरे यहाँ भी पड़ जाएगी। और आज सुबह सुबह जैसे मैं ऊपर गई तो मैंने देखा घर की छत पे इतने सारे कबूतर बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से जो है इनका जो है वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ, कि इससे पहले ही उड़ के चले जाए। जो हमारे घर की सबसे टॉप वाली छत है वो छोटू सी बनाई है हमने, ताकि इसमें जो है बर्ड्स रह सके, स्पेशली ये उनके लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बर्ड्स आते हैं और खासकर कबूतर आ रहे हैं, बाकी अदर नहीं आ रहे हैं। चिड़िया चुड़िया कुछ नहीं आ रही है। चिड़ियों ने यहाँ पे बनाया है गैलरी में, नेस्ट जो है घोंसले बनाया है, यहाँ बनाया है। तो जिन्होंने मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देखे हैं ना, तो उनको दिखाया है मैंने यहाँ पे बने हुए हैं, बट अभी नहीं है। जब गर्मियाँ होंगी ना, गर्मियों के टाइम में आएंगे वो। तो अभी फिलहाल के लिए जो मैं आपको दिखाती हूँ कि कबूतर कितने मस्त लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं छत पे ऊपर। तो चलिए चलते हैं, पहले उसको दिखाते हैं आपको। नानी को तो वही अच्छे ना आने। अच्छा ऐना ने अच्छा तो अच्छा ऐना ने बंदूक छड़ाई को थी कान ना कोई नहीं थे माने। अच्छा हो सही ना वो थे तो बंदूक के इंठा रे रे। हाँ हाँ सहता। हाँ जी हाँ जी। तो नानी जी बोल रहे हैं कि कोई शराबी शरूबी इनको गन से उड़ा सकता है, तो क्यों उड़ाएगा? कोई कोई नहीं उड़ाएगा, मैं नहीं उड़ाने दूंगी। और ये ऊपर ये वाला जो टॉप है ना, स्पेशली हमने इनके लिए ही बनाया है। और तादाद देखिए आप कबूतरों की बढ़ती हुई, पता लगे कर परसों घर ही भर गया, ऊपर पूरी छत भरी। और आज का मौसम यूटी फैमिली कुछ इस हिसाब का है, एकदम ख़तरनाक वाला। और बिल्कुल शांत एरिया है मेरे गांव का, ना शोर ना शराबा, एकदम शांति है शांति। और मंदिर के साथ वाले जो बूटे हैं ये भी सूख चुके हैं। और कुछ इस साइड से ये, और इधर आगे जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ, और ऊपर ऊपर साइड यहाँ भी बर्फ़ पड़ चुकी है। और यहाँ पे भी ऊपर सामने टॉप दिखता है, तो यहाँ पे भी पड़ जाएगी हमारे यहाँ बहुत जल्द, एक दो दिन में शायद पड़ ही जाए। देखते हैं क्या बनता है। और ये YouTube फैमिली, आप आपको पता है हमारे यहाँ इसको कुंदू बोलते हैं, कुंदू। ये जो क्या बोलते हैं खेतों में नहीं है ये येलो येलो जैसे, ये इसको हमारे यहाँ कुंदू बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे लोकल लैंग्वेज में ज़रूर बताना। और ये परे आ गया गांव। ये और इस साइड तो पहाड़ क्या मस्त लग रहे हैं, ये मन कर रहा है यहाँ चले जाऊं। ब्यूटी फैमिली, मम्मा भी नहीं घर में, वो दी के ससुराल गए हैं दी से मिलने स्पेशली। आपको पता ही है अब दिन जो कि नज़दीक आने वाला है, इसलिए मम्मा भी चले गए हैं आज मिलने के लिए स्पेशली। और ब्यूटी फैमिली क्या बोलते हैं, ऊपर रूम्स में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पुराने ब्लॉग्स में, कि PVC जो है लग चुकी है।
तो मैं दिखाना चाहूँगी आपको अपनी YouTube फैमिली को कि किस हिसाब से लगी है आप। आई होप मुझे तो अच्छी लगी, आपको भी पसंद आती है कि नहीं आती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं और आपको ऊपर लेके चलती हूँ मैं रूम्स में, और दिखाते हैं आपको कि किस हिसाब की लगी है और कैसी लगी हुई है। तो चलिए और जल्दी से चलते हैं YouTube फैमिली बिना वेट किए, और ऊपर रूम्स दिखाते हैं आपको और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। तो अब डायरेक्ट अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रूम्स में पीवीसी कैसी लगी है। तो पहले ये वाला रूम और कुछ इस हिसाब की लगी हुई है यूट्यूब फैमिली। मैं अपनी ओर से थोड़ा स्लोमो में कर रही हूँ कि धीरे धीरे इसे अच्छे से दिखा पाऊँ आपको। और जैसे ये ऊपर लास्ट रूम बचा है, कंप्लीट हो जाता है ना यूट्यूब फैमिली, तो पेंट भी करना है दीवारों पे, तो पेंट भी करेंगे। बस बर्फ़ ना पड़े, पड़ जाती है फिर तो नहीं हो पाएगा ना, फिर थोड़ा लेट होगा। तो दीवारों का भी बुरा हाल है, तो फिर दीवारें भी चमका देंगे। तो अभी के लिए दूसरे इस वाले रूम में चलते हैं। ये तो पहले मैं धीरे से लाइट जला लेती हूँ। ये कुछ इस हिसाब की यूट्यूब फैमिली। ये रुको, खिड़की खोलते हैं ना, फिर ज़्यादा रोशनी पड़ेगी ऊपर, तो फिर देखते हैं कैसा लगता है, फिर सही लगेगा। बाहर आज धूप भी नहीं है, तो मैंने सोचा आग लगाई जाए, और आज कड़ी और कड़ी के साथ मक्की की रोटी बनाई जाए। तो मुझे तो बनानी आती नहीं जैसा कि मैंने कहा था, तो मेरे घनिष्ठ मित्र बना रहे हैं, मेरी बचपन की फ्रेंड, हाँ इनको बोला मैंने स्पेशली बनाने के लिए, तो ये बना रहे हैं और मैं बैठी हूँ इधर। मैंने आग का ज़िम्मा लिया है कि मैं सही से आग लगाती हूँ और आप खाना बनाओ, और मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ। कड़ी एकदम बन के तैयार है, बहुत ही यम्मी यम्मी लग रही है देखने में। कड़ी भी बन के तैयार है और मैंने कड़ी में ऐड करी है मेरी मैगी, तो मस्त मस्त एकदम। तो अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ ये, और यूट्यूब फैमिली इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी ये लहसुन धो धा के, तो इसको काटेंगे और ताकि ये मस्त मस्त स्वाद आए इसका। तो कट करके ये तैयार है इसमें ऐड करने के लिए, तो इसको ऐसे डाल देते हैं और अब लगाते हैं हल्का हल्का छेड़ा और थोड़ी देर इसको बॉईल करते हैं। ये जितना भरमौर में ठंड है,
उतनी यहाँ पर मेरे यहाँ नहीं है ठंड, उससे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही। बंदा एक उसमें हुडी में भी घूम सकता है, बट भरमौर में जितने कपड़े डालो उतने ज़्यादा कम है। तो वहाँ पे मेरी हालत एकदम ख़राब वाली थी, तो घर आके लग रहा है कि नहीं, जो इधर है इधर ठंड ठीक है, नॉर्मल है, तो अब ठीक है। तो ब्यूटी फैमिली, मम्मा है नहीं घर पर, तो मैं अकेली हूँ और मोनू भी नहीं है घर में, वो चली गई ऊपर, और ऊपर चाचू जी भी लगे हुए हैं काम पे। तो जल्दी से मैं जो है चाचू जी के लिए खाना बनाती हूँ, और देखते हैं क्या बनाती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ उनके लिए जल्दी से। और इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। तो आई होप यूट्यूब फैमिली, यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यार प्यार कमेंट्स करके भेजें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, जय माता दी। और हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है ना, अपनों का और अपना और अपनों का ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।